शकील साहब, आप पेंटिंग्स बना रहे थे, फिर आपको म्यूरल्स बनाने का आइडिया कहाँ से आया और आपने म्यूरल्स कहाँ कहाँ बनाए? ये एक कलाकार किसी बंधन में नहीं बन पाता है, मेरा अपना मानना है कि वो किसी भी विधा में किसी भी टेक्निक में काम करना चाहे तो वो कर सकता है। हमने ऑयल भी किया, वाटर भी किया, लैंडस्केप भी किया, पेंटिंग भी की, मतलब एक ये था कि हर विधा का, हर आर्ट को, हर टेक्निक को हमने करने की कोशिश की। हमें हमारे डिपार्टमेंट ने हमसे कहा कि कुछ केंद्रीय जाले संगठन HRD मंत्रालय से कहा गया कि बिल्डिंग पे कुछ काम किया जाए, आर्ट वर्क। तो उसमें बाय चांस हमारे अधिकारियों ने हमारा नाम सिलेक्ट किया और बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात की तो हम चुप हो गए कि 100 फीट ऊंची बिल्डिंग है, उस पर इतना बड़ा वर्क कैसे हो पाएगा। तो हमने म्यूरल को पहले सोचा कि ऑयल पेंटिंग करेंगे, फिर उसकी लाइफ कम है। हम कश्मकश में रहे, बहुत परेशान रहे, सोचते रहे कि मैं इतना अच्छा, मुझे चांस मिल रहा है दुनिया में, इससे बड़ा हमें अचीवमेंट कुछ नहीं मिल सकता जो हमारा विभाग हमसे काम के लिए, आर्ट वर्क के लिए कह रहा है। करीब एक हफ्ते का हमने समय मांगा और हमने एक छोटा सा अपने म्यूरल्स टाइल्स को सिलेक्ट किया और एक कॉन्सेप्ट हमने लिया, उसको बनाया। तो हमने अपने कमिश्नर साहब से, जो उस टाइम हर्ष महान केरे साहब थे, उनको दिखाया, बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोले बस अब तुम इसी टेक्निक पे पूरी बिल्डिंग में काम करो। तो हमें यकीन नहीं आया कि हम इतना बड़ा काम कैसे कर पाएंगे अकेले, क्योंकि हम ही को काम दिया गया था। लेकिन ऊपर वाले के कर्म रहा, लोगों का सपोर्ट रहा, इसमें हमारे विभाग का सपोर्ट रहा कि हर तरह से जो जो हम कहते गए वो हमें सहूलियतें मिलती गई और हमने 100 फीट ऊँचे म्यूरल हमारे हाथ से बन गए, जो हमें यकीन आज भी नहीं होता है कि ये कभी हमने किया होगा। चंडीगढ़, कानपुर, लखनऊ और दिल्ली, पिछलीपुर, इन जगहों पर जहाँ जहाँ बिल्डिंगें थी KVS की, वहाँ हमें काम धीरे दिया जाने लगा। लेकिन थीम हमने भारतीय मेथोलॉजी, इंडियन कल्चर, भारतीय सभ्यता, नेशनल इंटीग्रेशन, वर्ल्ड पीस, एनवायरनमेंट, इन सब्जेक्ट को चुना। एजुकेशनल, स्पोर्ट्स, नई टेक्निक के ऊपर हमारी एजुकेशन की क्या पॉलिसी है, इन सब्जेक्ट को हमने कंपोज किया। और आज ऊपर वाले ने हमसे काफ़ी बड़े बड़े म्यूरल्स बनवा लिए, मुझे आज भी यकीन नहीं है कि वो हमारे हाथों से हुआ। काफ़ी वर्क किया और फिर हमने उसमें नई नई तरह से रिसर्च की, पेंटिंग्स का इफेक्ट भी देना शुरू किया हमने। लाइन वर्क म्यूरल में एक टेक्निक यूज़ की हमने, जो वो शैली भी हमारी है, वो टेक्निक भी हमारी है, इससे पहले नहीं हुई थी। हमने आउटलाइन में पहले जैसे गणपति जी रखे हैं, करीब 30-40 वर्ष हमने म्यूरल के किए और इसमें आउटलाइन हमने निकाली। एक रोज़ हम एक नई टेक्निक को, इसी को नए नए अंदाज से बनाते हैं, बनाने की कोशिश की। फिर हमने इसको फोल्डिंग म्यूरल्स भी बनाना शुरू किए कि हार्ड, मतलब मोटे बोर्ड के ऊपर पेस्ट करके इसको आराम से लोग अपने यहाँ लगा सकते हैं या कहीं भी इसको हैंडलिंग हो सकती है। दीवार पे तो काम किए ही है, लेकिन नई टेक्निक हमने निकाल दी है कि उसको हम फोल्डिंग जितना बड़ा चाहे म्यूरल लेकर के दीवार पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये है, काम करते करते नई चीज़ें मिलने लगती है। आर्टिस्ट किसी एक चीज़ का मोहताज नहीं होता, उसे आए दिन नई टेक्निक मिलती है और उसे करना चाहिए काम।